नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो प्रशांत भूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होने या नहीं होने से ऊपर उठ गया है। अचानक कुछ मामले नजीर बन जाते हैं। प्रशांत भूषण का मामला भी एक नजीर बन गया है, जिसका असर लंबे समय तक देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर नीचे की अदालतों, ठेठ निचली अदालतों तक जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को दोषी करार दे चुका है, लिहाजा सजा तो सुनाई ही जानी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश की थी। प्रशांत भूषण से कहा कि 2 दिन का वक्त देते हैं, लेकिन प्रशांत भूषण ने कहा कि 2 दिन का वक्त देकर काहे सुप्रीम कोर्ट अपना समय बर्बाद कर रहा है, मैं माफी मांगने वाला नहीं हूँ, मैं अपने शब्दों को वापस लेने वाला नहीं हूँ। और इस तरह से अब सजा का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है। अवमानना के मामले में अधिकतम 6 महीने की सजा दी जा सकती है, या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर सजा और जुर्माना एक साथ हो सकता है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट संकेत के रूप में 1 दिन की सजा सुनाए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होने तक यानी अदालत के उठने तक प्रशांत भूषण से खड़े रहने की सजा सुनाए। ऐसी बहुत सी सजाएं पहले भी सुनाई जा चुकी हैं, मुझे याद आता है। लेकिन जो भी सजा सुनाई जाएगी उसका असर नीचे तक होगा। और वैसे भी अब ये मामला सजा सुनाने या नहीं सुनाने से ऊपर उठ गया है। सजा की अवधि क्या होती है उससे ऊपर उठ गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब बहस इस बात पर हो रही है कि क्या 2 ट्वीट इतनी अहमियत रखते हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर इतनी आंच आ जाए, लोकतंत्र का एक स्तंभ की जो नींव है वो हिलने लग जाए। क्या फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस मामले को दिल से ले लिया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा खुद ही गिरा दी? खासतौर से 1 ट्वीट जिसे इस प्रशांत भूषण खुद वापस ले चुके थे, चीफ जस्टिस बोबड़े का जो ट्वीट उन्होंने किया था कि वो महंगी मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल है, 50 लाख 4 लाख तक की कीमत इसकी होती है, 4 करोड़ तक की कीमत होती है ऐसा कहा जाता है, और हेलमेट नहीं लगा रखा है। उसके बाद प्रशांत भूषण ने खुद ही कह दिया भी स्टैंड पर मोटरसाइकिल लगी हुई थी, उनका ध्यान नहीं गया, और ऐसे में हेलमेट लगाना जरूरी नहीं होता है। अब ये अलग बात है कि चीफ जस्टिस को इस तरह की महंगी मोटरसाइकिल पर बैठना चाहिए था या फिर नहीं बैठना चाहिए था। यहाँ पर 2 फैसले ब्रिटेन की अदालतों के भी हम नजीर के रूप में ले सकते हैं, जिसे मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को ध्यान उस तरफ भी देना चाहिए था। एक फैसला आया जिसके खिलाफ एक अखबार डेली मेल अखबार था, उसने लिखा कि जजों के लिए कि यू ओल्ड फूल्स, और उल्टा लटकाया हुआ 3 व्यक्तियों का शरीर था। इस पर एक जज से पूछा गया तो जज साहब ने कहा कि देखिए ओल्ड कहा गया, बूढ़ा कहा गया, तो मैं तो हूं बूढ़ा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है। अब मुझे फूल या मूर्ख भी कहा गया तो ये परसेप्शन की बात है। अखबार वालों को लगता है मैं मूर्ख हूं, मैंने मूर्खतापूर्ण फैसला दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं मूर्ख हूं और मैंने मूर्खतापूर्ण फैसला दिया है, जनता पर को ये तय करने दी थी। इसी तरह एक और फैसला आया जिसमें अखबार ने लिखा कि एनिमीज ऑफ द नेशन, राष्ट्र के दुश्मन, लेकिन जज साहब ने कह दिया कि ये भी परसेप्शन की बात है, ये जनता तय करेगी कि मैं राष्ट्र का दुश्मन हूँ या नहीं हूँ, और इसमें इस बहस में मुझे नहीं पढ़ना है, और इसको मैं अवमानना का केस मानने से इनकार करता हूँ। अब कुल मिलाकर कहानी ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सी भी सजा प्रशांत भूषण को देता है तो इसका असर हाईकोर्ट तक और निचली अदालतों तक होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, वहां भी लोग छोटी छोटी बात को लेकर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर जो टिप्पणियां रोज होती हैं, हजारों की संख्या में होती हैं, उसको लेकर अदालत चले जाएंगे। प्रशांत भूषण केस का हवाला देकर सजा देने की या अदालत से दखल देने की मांग करेंगे। तो क्या अब क्या सोशल मीडिया के मामले ही अदालत सुनता रह जाएगा, या जरूरी मामलों की सुनवाई भी होनी बाकी है। यहाँ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की बार के 2-3 सुझाव मुझे अच्छे लगते हैं, जिसमें एक में कहा गया कि मामले की सुनवाई एक बड़ी पीठ को दी जानी चाहिए, दूसरा कहा गया कि मामले की सुनवाई बड़े स्तर पर की जानी चाहिए, सारे मुद्दे एक साथ उठाए जाने चाहिए, सामान्य परिस्थितियां होने का इंतजार करना चाहिए, जब
की अदालतें लगने लगे, वकील कोर्ट के अंदर हाजिर होने लगे और आमने सामने बैठकर बात हो। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा तो अटॉर्नी जनरल ने यह राय दी कि उनकी राय में प्रशांत भूषण पर मामला बनता नहीं है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि प्रशांत भूषण अपनी टिप्पणियों से मोदी सरकार को नाराज करते रहते हैं और अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का ही एक तरह से नुमाइंदा होता है। अटॉर्नी जनरल जो राय दे रहा होता है वो केंद्र सरकार की ही राय होती है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या फैसला करता है, क्योंकि प्रशांत भूषण तो अपनी तरफ से साफ कर चुके हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे, माफी मांगने के मूड में नहीं है और जो भी सजा मिलेगी उसके खिलाफ वो क्यूरेटिव याचिका यानी पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे, यानी ये मामला और लंबा चलने वाला है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।